नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोरखपुर जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में शुक्रवार को महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने गोलघर की सड़क से सैकड़ों दर्जनों कांग्रेसियों को पकड़ा और पुलिस लाइन ले गई। इस कार्यवाही के बाद कांग्रेसियों का हल्ला बंद हुआ। आलाकमान के निर्देशन पर कांग्रेसियों ने देश में लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों द्वारा सड़क पर लेटकर प्रदर्शन करने की वजह से गोलघर के मुख्य मार्ग पर जाम लग गया। आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। इसकी सूचना अब पुलिस तक पहुंची तो उन्होंने सख्ती दिखाते हुए कांग्रेसियों को सड़क से हटाया और उन्हें हिरासत में लेकर रास्ते को खाली कराया। कांग्रेसी टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर एकत्रित हुए और वहां से सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए इंदिरा गांधी चेतना तिराहे की तरफ बढ़े। वहां पहुंचते ही कांग्रेसी सड़क पर लेट गए और मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। कांग्रेस की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान का कहना है कि देश और प्रदेश की कोशिश कर रही है, देश और प्रदेश की सरकार लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। देश और प्रदेश में लगातार महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वही जीएसटी की वजह से भी व्यापारी परेशान हैं। इसमें मुख्य रूप से जिला संगठन प्रभारी जितेंद्र पांडे, तौकीर आलम, अनुराग पांडे, मनोज त्रिपाठी, गब्बू लाल प्रजापति, सच्चिदानंद त्रिपाठी, सूरज यादव, इकबाल अहमद, देवेंद्र निषाद, प्रभात चतुर्वेदी, विनोद जोफस, अशोक कश्यप आदि अंश तमाम कांग्रेस जन उपस्थित रहे। गोरखपुर से मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।